हाँ दोस्तों, जोहार। अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये इधर से आ रही है, ये है आदित्यपुर से होते हुए आसंगी आने वाली सड़क। और ये सड़क जो है यहाँ से ईटागढ़ सरायकेला की तरफ जाती है, और यहाँ से हजारों मजदूर काम करने के लिए आते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में। और देखिए इनकी सड़क जो है, इनकी इनकी अवस्था देखिए। शाम का समय है, अभी ये लोग यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। और इस सड़क की हालत देखिए, मैं भी कीचड़ में घुस चुका हूँ। और ये मज़दूर ऐसे ही सैकड़ों मज़दूर आना जाना इसी सड़क से करते हैं। एकमात्र ईटागढ़ जो सरायकेला जिला, सरायकेला खरसवां जिला गम्हरिया अंचल में पड़ता है, ये ईटागढ़ गांव के लोगों की तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बाइक से आ रहे हैं ये नौजवान, क्या कहते हैं, कैमरा तो नहीं हटेगा बाबू, तुम लोग इतना शर्माएगा तो कैसे चले। तुम लोग कहाँ का रहने वाले पहले बताओ, कहाँ का रहने वाले पहले बताओ। नागाडी नागाडी का रहने वाला है। तो ये तस्वीर देखे तुम लोग को शर्म नहीं आता, बताओ तुम। एक मिनट बताओ, सुनो, बोलिए ना, बताओ तो अपने आप में एक शर्म आता है कि झारखंडी है कि नहीं। हाँ, तो शर्म आता है कि नहीं ये सब देख करके। हाँ। कि आज 77 साल हो गया आज़ादी का, ये हाल से गुजरना पड़ रहा है। क्या बोलोगे यहाँ के, क्या बोलेंगे अब? यहाँ का विधायक कौन है मालूम है? चंपाई। चंपाई क्या कहेंगे बताओ, इधर देखो देखो क्या कहेंगे, क्या कुछ तो बोलो। अब हम क्या बोल पाएंगे, अब बड़े बड़े आदमी कुछ बोल रहे नहीं, उनको कुछ कर रहे नहीं, तो हम क्या बोलेंगे। अच्छा अभी आए हो, कैसा लगा देख करके? अब देख रहे तो मेरा हाल बताओ, देख रहे हो ना, कैसा लगा? झारखंडी, झारखंडी होने पर रोना आता है कि नहीं? झारखंडी होने पर रोना आता है कि नहीं? हाँ ये तो आता है, रोना आता है ना। ये देखिए, हाँ इधर आए, करीब करीब 30 वर्षों से विधायक हैं और 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बने, और ये उन्हीं का इलाका है, उन्हीं की विधायकी क्षेत्र है। क्या बोलोगे आप, कहाँ रहते हो? ईटागढ़। ईटागढ़ में क्या लग रहा है, क्या देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग जो विधायक है ना, बहुत अच्छा काम करके रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उसको, ऐसे ही करना चाहिए। ये सड़क 12 महीना ऐसे ही रहता है? हाँ ऐसे ही रहता है। तो क्या बोलेंगे चंपाई सोरेन जी को? चंपाई सोरेन जी क्या बोलेंगे, आएगा वोट का टाइम, बोलेगा बना देंगे, उसके बाद भूल गया, हो गया खत्म, जितना ही है। हाँ इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसे ही हम लोग को जीना है, बस 1000 रुपया देना है बस, जो लेगा 500 रुपया वोट देगा, क्या बोलेगा वो? क्या बोलेगा? इसमें बहुत सारा खेल है, मैं दिखाऊंगा। ये सड़क ही नहीं, ये सड़क तो अरे बाप रे बाप, मैं अभी गिर जाता। बहुत ही दयनीय हालत ईटागढ़ की जनता का, ईटागढ़ क्षेत्र। और यहाँ से ऐसा नहीं कि केवल ईटागढ़ के लोगों को, ईटागढ़ पंचायत में करीब करीब 5-6 गांव हैं, यहाँ से लोग जो है राजनगर तक जाते हैं, यहाँ नौकरी करने के लिए कंपनियों में आते हैं। और ये क्षेत्र को आप देखें, ये सड़क है, इसी क्षेत्र से हजारों मजदूर आना जाना करते हैं। और यहाँ जो आप हाल देख रहे हैं, आज करीब करीब 24 वर्ष हो गए झारखंड अलग राज्य होने के बाद, और कल जो है लगभग हम लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी के। लेकिन ये हाल जो है, क्या हाल है मैं दिखाऊंगा, आगे भी जो आगे हाल मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ही रोना आएगा झारखंड के बारे में सुन करके, झारखंड की अवस्था देख करके। हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि बहुत विकास हो गया हमारे इस झारखंड में, लेकिन अभी आपको और भी तस्वीर में दिखाऊंगा यहाँ के लोगों की, यहाँ के झारखंड के लोगों की, झारखंड की तस्वीर। यहाँ देखिए ये लोगों की तस्वीर, ये लोग सुबह से मजदूरी करके आते हैं, और उसके बाद अभी तो महिलाएं शायद चली गई या हो सकता है और लेट से आए। ये देखिए जो ये दीवार बनी हुई है, उसके ऊपर से ये लोग आना जाना करते हैं, चारों तरफ पानी है। ऐसा नहीं कि बरसात के समय, ये सालों भर इन लोगों का आना जाना ऐसा ही रहता है, इसी तरह का से ये आना जाना करते हैं। ये सड़क है, और यहाँ से करीब करीब 6-7 गांव हैं, जो सभी लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। बस हाँ हाँ बोलो 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 बोलो
बोलो क्या आप लोग, आप लोग कौन कौन से गांव के हैं? गोगाडी। गोगाडी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कितने साल से आना जाना कर रहे हैं? सड़क ऐसा ही था या इससे अच्छा था? ना ना ऐसे ही है, सब बराबर ऐसे ही है। तो आपका उम्र का अभी कितना हो रहा है? लगभग 50 कथा कथे होगा। तो ये रोड ईटागढ़ जाने का रास्ता जो है ये ऐसा ही है था शुरू से? जब बरसात के दिन हो जाए ऐसे ही होता है। और ऐसे उससे ठीक रहता है वो? बाद बाकी दिन ऐसे रहता, सूखा रहता थोड़ा, ओके रहता, लेकिन तकलीफ रहता? हाँ तकलीफ तो है, ऐसे जैसा कोई पानी नहीं रहता है। अच्छा। हाँ अभी पानी है, अभी बरसात के दिन पानी बहुत। आपका विधायक कौन है? हम लोग का विधायक यहाँ का है, राजनगर का। राजनगर का? राजनगर थाना का है। क्या नाम है? हम मेरा चंपा। आपका चंपा है ना? चंपा है। वो राजनगर में रहता है? नहीं नहीं, वो तो जिलिंगोड़ा में है। तो फिर आप? नहीं नहीं, वही बोल रहा है, जिलिंगोड़ा में। इतना बूढ़े हो गए, आपको ये नहीं मालूम कि आपका विधायक कौन है? जिलिंगोड़ा, जिलिंगोड़ा में। आप वोट कैसे देते हैं? वोट हम लोग का गांव इधर नहीं है ना, हम लोग का जो पटका थोड़ा है। ठीक है ठीक। तो काम लोग का है तो आप लोग उतना दूर से इसी रास्ते आना जाना करते हैं? यही रोड से? हाँ यही रोड से। तो क्या बोलेंगे अपने अच्छे एरिया का, एरिया के नेता लोग को क्या बोलेंगे? करना होगा काम, रोड रोड फोर सब बनना होगा तो ना अच्छा रहेगा, हम लोग का सुविधा रहेगा सब दिन। हाँ वही। तो रात, अगर रात हो जाता तब क्या करते हैं? रात में तो बहुत सुविधा हो जाता है हम लोग का। हाँ बहुत सुविधा, रात में रात ही नहीं सकता है। हाँ। 6 बजे छुट्टी करके भाग जाता है, पड़ता है हम लोग को। अच्छा क्या करेगा। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको और भी मैं एक अचरज वाली चीज़ दिखाऊंगा, बहुत आगे है, बहुत ही आश्चर्य लगेगा कि आपको सरकार की जो नीति है, जो नियम है, वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से ये जो इसके अधिकारी हैं वो कैसे नियम बनाते हैं उनको, उसको देख करके आपको बहुत ही आश्चर्य लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा कि कैसे सरकारी तंत्र पैसों का एक घोटाला करते हैं, पैसों का जो हेर फेर मैं कहूँगा किस प्रकार से करते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये सड़क जो बननी चाहिए थी आज से करीब करीब 20 साल पहले, लेकिन ये सड़क आज तक नहीं बन पाई है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से व्यवस्था चरमराई हुई है झारखंड की। तो दोस्तों ये जो सड़क है ये आ रही है, और इस यहाँ से लेकर के देखिए ये गड्ढे है। रात के वक्त जो है इसी रास्ते से, मान लीजिए कोई रात में 10 बजे 11 बजे ड्यूटी से आता है, अपनी नौकरी करके आता है, और इस तरह की सड़कें जो हैं सरकार के द्वारा कोई देखभाल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हमारे जो विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं सरायकेला क्षेत्र के, उनका या कोल्हान का मैं कहूँगा, कोल्हान क्षेत्र का, इस पश्चिमी सिंहभूम जिले का, इस क्षेत्र में किस प्रकार से लोग जीते हैं, रहते हैं, इन ये चूँकि कम पढ़े लिखे हैं इस क्षेत्र के लोग, यहाँ की अवस्था आप देख सकते हैं कैसी है। ऐसे ऐसे सैकड़ों गांव आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ से पुल बनी हुई है, यहाँ से देखिए पुल बनाया हुआ है। ये पुल आज इस 2024 जनवरी में ही खोला गया है, और इसकी हालत देखिए किस प्रकार से है। ये हालत देखिए, ये पुल की हालत, ये चरमरा, ये आज नहीं तो कल, हो सकता साल दो साल में ये टूट भी जाएगा, क्योंकि ये हालत देखिए, पुल की हालत देखिए किस तरह से है आज, बहुत ही हालत ख़राब। बस पुल में पूरा मिट्टी जम गया है, गाद जमी हुई है, दोनों तरफ घास निकल चुके हैं। इसी साल जनवरी में ये पुल खोला गया है, करीब करीब 13 वर्षों के आंदोलन के बाद, गांव वालों के आंदोलन के बाद ये पुल बना, लेकिन उसके बाद ये हालत है कि पुल जो है पूरा देखिए, पूरा पुल में आपको घास मिलेगी, मिट्टी जमी हुई है, और करीब करीब 13 वर्ष के बाद ये पुल बना, 13 वर्ष, और पुल बनने में 13 वर्ष लग गए, पुल को बनने में 13 वर्ष लगे। ये ऐसा नहीं कि ये 6 महीने में बना, ऐसा नहीं, थोड़ा 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 एक एक पिलर, हर साल एक एक पिलर बनता था, हर साल एक एक पिलर बनता था, और ये 13 वर्ष में लगभग ये सारा पिलर बना, और उसके बाद इस साल 2024 में जनवरी में ये पुल का निर्माण किया गया। लेकिन ये पुल जर्जर है, पूरी तरह से जर्जर है, और ये आप देखिए 6 महीने में पूरा घास उगाया है पुल के, अभी क्या हालत होगी आप देखिएगे, पुल की हालत बहुत ही दयनीय, बहुत ही ख़राब, बहुत ही हालत
एक चिंता की विषय, चिंता का संशय हालत यह है। सरायकेला क्षेत्र, ईटागढ़ गांव, गम्हड़िया पंच अंचल प्रमंडल की यह हालत है। तो यहाँ के लोग इसी तरीके से जीते हैं, बस चुपचाप बर्दाश्त करना है। यहाँ से हजारों मजदूर आना जाना करते हैं और इनकी यही हाल है कि ये किसी तरीके से जी रहे हैं, किसी तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी के ख़िलाफ़ कुछ बोलने को तैयार नहीं, कुछ कहने को तैयार नहीं। देखता हूँ, इन लोगों से पूछता हूँ क्या कहते हैं, अगर कुछ कहेंगे तो बताऊँगा। बोलो की बोलबे, बोलो पुल ट्रेवल वाले, बोल पुल ट्रेवल के बारे में बताइए, पुल के बारे में बताइए, क्या हाल है जी? इसी साल बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो पुलिया बना है 14 साल में बना है। हाँ। नहीं बना है, अभी पुलिया बन के हम लोग का 3 साल हो गया है। 3 साल अभी रोड रास्ता ठीक नहीं है। में तो 2024 जनवरी में तो खुला है, ये जनवरी में ना एक पुल खो बन के तैयार हुआ। हाँ हाँ, ये जनवरी में। हाँ? नहीं नहीं, वो तो अपना पेपर में होगा। हाँ। लेकिन पिछले साले हो गया हम लोग का। अच्छा, पुल चालू था लेकिन बन के जो टूटा फूटा था सब रिपेयर कर। हाँ, ये साल जो पूरा बात बताइए। हाँ, आधा अधूरा मत बताइए। हाँ, मैंने कम्प्लीट हुआ, मैंने 1 साल हो गया कम्प्लीट हो गए। और जो थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ था इधर उधर, जो रेलिंग पेलिंग हल्का फुल्का जो दो साइड में वो वाला काम बचा हुआ था, मतलब ये बारिश से पहले कम्प्लीट हुआ। और उसके बाद अभी तक रोड हम लोग का जो बना नहीं है आसंगी से लेके ईटागढ़ तक। पुल का हाल कैसा है, 6 महीना में क्या हो गया? हाँ, बहुत देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं कितना सब देख रहा है। पुल कितना दिन चलेगा? बस हमको लग रहा है कि 2 ही साल में ही हो जाएगा। 2 साल में टूट जाएगा? टूट जाएगा, वैसे तो लग रहा है, पानी जम रहा है, मट्टी उट्टी सब बैठ गया अभी तक। कौन है विधायक यहाँ का? हम लोग का विधायक जो अभी है चंपाई दादा। चंपाई दादा? हाँ। तो क्या कहेंगे चंपाई दादा को? क्या कहेंगे, वही तो देख रहे हैं, और क्या कहेंगे, कहने का। 30 साल से विधायक हैं लेकिन क्षेत्र का अभी तक कोई विकास नहीं। 24 साल हो गया झारखंड अलग राज्य हुए। हाँ, 24 साल हो गया। 75 साल के बाद अभी 77वां साल स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हाँ। आज ईटागढ़ के लोग का हाल यही है, यही है जो आज से 100 साल पहले था। यही देख रहे, सबको ही देख रहा है क्या, सबको तो जान ही रहा, जान ही रहा, जान ही रहा। कितना पीढ़ी बीत गया ऐसी, मतलब कीचड़ में आते पार होते हुए। हम लोग का पूरा जन्म यही पर अभी तक बीती रहा, अभी तक वही मोटा मोटी 48। वही हाल है, हम लोग का शांति नहीं है, शांति नहीं, नहीं। आज भी जो सैकड़ों मजदूर हजारों मजदूर आना जाना करते हैं, वही है हम लोग का, वही हाल है, वही हाल है। कोई सुधार हम लोग का नहीं हुआ, कोई सुधार। तो कब तक ये वाला कब तक रहेगा? वही तो आप लोग को ना आंदोलन करना होगा, गांव वाला लोग जागरूक होना होगा। जब तक गांव वाला लोग आवाज नहीं उठाएगा तो कैसे होगा? हाँ, तो बात सही है, लेकिन हम लोग गांव का भी तो ऐसे ही है, गांव का भी ऐसे ही है। पुल का हाल तो टूटने लगा, बहुत बुरा है, बहुत बुरा मैं कहूँगा। बहुत मिट्टी देखिए, मिट्टी कम से कम 2-3 इंच जम गया है। हाँ, साइड में ज्यादा जम गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए मिट्टी यहाँ पर 1 फीट जम गया है ना, 1 फीट। हाँ, ये सब ये अरे तो काहे के लिए इतना मेहनत हो रहा है? मेहनत किस लिए हो रहा है? ठीक है, तो रोड पूरा। हाँ हाँ, तो दोस्तों ये है ईटागढ़ सरायकेला क्षेत्र जो है, यहाँ की तस्वीर, यहाँ के लोगों की दर्दनाक दशा, बहुत ही हाल खराब। क्या बोलेंगे हम लोग का ईटागढ़ पंचायत का रास्ता के बारे में? बहुत खराब है, इतना कादो में चल रहा है, जूता साइकिल खंधा पर लेके चल रहे हैं। आज तक हम लोग का रोड नहीं बना। कहीं से रोड है कि नहीं ईटागढ़ जाने आने के लिए? इधर हंस की तरफ रोड नहीं है, कहीं से आप लोग का नहीं है? नहीं है, जाने के लिए नहीं, बहुत तकलीफ है, तकलीफ बहुत है, बहुत तकलीफ। ड्यूटी से आ रहे हैं? ड्यूटी से आ रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आपके विधायक जो आज 30 साल से आप लोग वोट देते हुए जिताते हुए आए हैं? विधायक तो जो बोलता सेंटर का काम है ना, ये सब सेंटर का नहीं होता। सेंटर का काम जो हाईवेज होता है उसका, ये सब तो राज्य सरकार को देख रेख में होता है। बात तो सही, इतना हम लोग को तो जानकारी नहीं है। सही बात है, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं, विधायक को तो बोल सकते हैं आप लोग। हाँ, बोल सकते हैं। 30 साल हो गया? हाँ, 30 साल हो गया राज करते हुए, विधायक का मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, बने, क्या करेंगे। ठीक ठीक है,
ऐसा ही हाल सब जगह है। और ये ईटागढ़ गांव का हाल तो बहुत ही दर्दनाक है। ऐसे ही सैकड़ों गांव है, मिलेगा आपको, क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो सैकड़ों गांव है इधर। आप कौन गांव के रहने वाले? हम आसंगी बस्ती के। आसंगी बस्ती के, तो क्या बोलेंगे, आइए चलते हैं। चलिए, तो ये रोड, ये रास्ता, ये सड़क आज 75 साल पार हो गया है। हाँ, आज़ादी का। आज़ादी का जी। ये 30-24 साल पार हो गया जी, झारखंड राज्य बने। जी 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 जी। तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे, सरकारें वैसा है। अभी 12 साल के बाद एक पुल बना है, वो भी आपका मधुकोड़ा के सरकार में सेक्शन हुआ था, अर्जुन मुंडा के समय। हाँ, अर्जुन मुंडा, उससे पहले मधुकोड़ा। हाँ, फिर जेएमएम आया, जेएमएम भी ऐसे लटका के रख दिया है। अब क्या बोलेंगे हम लोग, तो पूरा मिट्टी जम गया दो दो। हाँ, ये काम सही नहीं हुआ, इसका काम सही नहीं हुआ जी, सही नहीं, पूरा घपलाबाजी हुआ। घपलाबाजी हुआ, काम सही नहीं हुआ। एक ठेकेदार है आपका लोकल का है, टेंडर कोई और साउथ का है, इस तरह से काम हुआ है। इस तरह से काम जी जी, मतलब पूरा तरह सरकार जांच करे तो इसका पूरा खुलासा होगा, खुलासा हो जाएगा। पुल में, पुल भी हमको लगता है 2-3 साल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। 3 साल टिके कि नहीं पता नहीं, पता नहीं। ये तो यहाँ अभी गाड़ी घोड़ा ऐसा नहीं चल रहा है, फिर भी ये दो चक्का आपका टेम्पू वेम्पू थोड़ा धूप का सीजन में चल रहा था। अब तो देखे रोड का हाल, देखे पुलिया का, गिट्टी पत्थर उखड़ गया है। ये तो कर एक बात बता, रास्ता है नहीं, पुल पहले बना दिया, रास्ता का कोई मतलब कोई कुछ पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। इधर उधर का देखिए एक बार हो गया है। अच्छा, तो उधर का एक बार हो गया, जगह जगह पीछेस हो गया है। अच्छा, तो इधर का एक बार नहीं हुआ है, अभी आया था बीच में मुआयना करके गया 4 बार। उधर उधर रास्ता सही है, उधर कीचड़ नहीं है? नहीं, उधर भी कीचड़ है, कीचड़ है। जगह जगह बोल रहे हैं 200 मीटर 400 मीटर में गड्ढा है, कालवेट नहीं बना है, पीछेस नहीं हुआ है, मट्टी डाल के छोड़ दिया है, इस तरह का काम हुआ है। अभी इलेक्शन में फिर लटक गया, इलेक्शन से पहले आपका सर्वे हुआ था इधर। हाँ, 2 बार तो 3 बार इधर से हुआ, सीधा हुआ, फिर अगल बगल से। अरे तो पुल बने हुए कम से 13 साल हो गए, लेकिन 13 साल मतलब बनने में लगा, साल बनने में लगा, हाँ 13 साल बनने में लगा। तो रास्ता तो उस समय तो तैयारी होना चाहिए ना, कोई होना चाहिए। इसका मतलब कोई दूरदर्शी सरकार नहीं है? नहीं, दूरदर्शी सरकार। 5 साल हो गया इनका सरकार का, अब तक एक सड़क नहीं बना पाया, तो फिर क्या क्या जाए बोलिए। अच्छा, बिल्डर लोग पूरा जगह जमीन घेर ले रहा, उनको जमीन मिल जा रहा, सरकार को जमीन नहीं मिल रहा बोलिए। ऐसे अगर चाहता, सरकार लेना चाहता तो ले सकता था, लेकिन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अर्जुन प्रधान नाम। अर्जुन जी, धन्यवाद आपका। ये लोग से पूछिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो ये है यहाँ का हाल, ये ग्रामीण जो है, हजारों ग्रामीण आना जाना करते हैं इसी सड़क से, इसी कीचड़ से, लेकिन सरकार को कोई नज़र नहीं है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बहुत परिस्थिति खराब है। कौन गाँव का आप? नयाडे। नयाडे, नयाडे अंतु साहब। हाँ, क्या परिस्थिति खराब लग रहा है? बहुत परिस्थिति खराब है, बहुत परिस्थिति, बहुत परिस्थिति खराब है। तो क्या बोलते हैं अपना विधायक को? आप लोग तो वोट देके जिताते हैं लगातार 30 साल से, और क्या बोलेंगे? वो तो देखने ही नहीं आता है, देखने ही नहीं आता। हाँ, वो ये रास्ता भी गया भी नहीं होगा। हाँ, पूरा रास्ता आगे में पीछे में पूरा खराब। पुल का सेंक्शन कर दे यहाँ तो, एक बार तो देखने आना चाहिए। हाँ, कि रास्ता कैसा है, गाँव का आदमी आना जाना यहाँ से करीब करीब नहीं भी तो सुबह से रात तक कम से कम 1 लाख आदमी आना जाना करता होगा। हाँ हाँ, होगा होगा कम, यहाँ राजनगर से आना जाना करते हैं। हाँ हाँ, है ना, दूर से बोलिए। और दूर से ना, हम तो हाथा साइड से हैं। हाँ, लेकिन ना रास्ता है, ना पुल का हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत बहुत खराब है। हा? पुल का भी हालत खराब है, आगे जाके देखिए और भी रास्ता बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्या बोलेंगे विधायक को? विधायक और क्या क्या बोल, मुख्यमंत्री दीजिए, बड़ा भैया को दीजिए, बड़ा। बोलने से इतना डरते क्यों? जब तक बोलिएगा नहीं तो कैसे आपका विकास होगा? आपका विकास कैसे होगा, आपका गांव का विकास कैसे होगा? तो विधायक जी आके बना के देगा तभी तो यही होगा। हाँ, तो वो आ ही नहीं रहा है इधर। साल से विधायक चंपा सोरेन है। अच्छा, अभी तक कुछ किया हम लोग को पता ही नहीं चलता, चंपा सोरेन क्या करता क्या नहीं, हम लोग का अभी तक पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं चलता, नहीं चलता। तो फिर भी तो आप लोग वोट देके जिताते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे, हम अकेले बोलने से तो नहीं होगा, हम वोट नहीं दें, हम नहीं देंगे वोट, लेकिन और कोई तो देता है तभी तो जीतता है वो। सही बात है, जो भी नेता आएगा सब तो ऐसे ही करेगा, उसे ही करेगा, सब ऐसे ही करेगा, सब ऐसे ही करेगा। आप लोग तो 30-35 साल से नौकरी कर रहे हैं, रास्ता से आना जाना है, रास्ता ऐसे ही है शुरू से? शुरू से ऐसा नहीं, पहले से नाव से पार होता था। अच्छा, नाव से पार, ठीक बोले। मेरा जमीन यहाँ छोड़ दिया था, उसको गोदाम उदाम बनाने के लिए जो खोजा, तो हम उसको हमारा जगह छोड़ दिया, हम
जगह छोड़ने के बाद वो कितना 28 महीना ने कितना बिल्डर ये जो ठीका लिया था 28 महीना का बात किया था। 28 महीना करते करते वो तो 13 साल बिता दिया। 13 साल पुल बनाने में, पुल बनाने में 13 साल बीत गया। ठीक है, 13 साल में अगर पुल बन गया तो अभी देखिए इधर का रास्ता क्या, इधर का तकलीफ क्या है देख लीजिए आप लोग। हाँ तो देखिए अभी और 10-12 साल लगेगा ना, 20 साल लगेगा, कोई ठिकाना नहीं है। आप खत्म हो जाएगा आपका वो पोता लोग, मेरा पोता लोग देखेगा। हाँ, हाँ, क्या ये देखिए महिला है ये रोज, कहाँ आप काम करते हैं? यहाँ पे आदितपुर में, आदितपुर में काम करते हैं। हाँ, तो आपके जैसे सैकड़ों महिलाएं होंगी जो रोज आना जाना यहाँ से करते हैं। हाँ, मान लीजिए रात हो जाता 8-9 बज जाता होगा महिलाओं को आने जाने से, क्योंकि अभी भी शाम हो गया तो रात के समय में ऐसे आते होंगे फिसलते, कभी गिरते पड़ते आते होंगे। हाँ, एकदम कीचड़ में बहुत हम लोग का आने जाने की दिक्कत होता है, और हम लोग का यहाँ का जो सरकार है वो हम लोग को देख नहीं रहा है। चंपा सोरे में हेमंत सोरेन देखे 1000 रुपए महिला लोग को दे रहे, बोले कि आप लोग खुशहाल हो जाएगा 1000 में। वो तो अभी अभी निकाले हैं वो। हाँ, तो लेकिन हम लोग का जो सड़क इतना रास्ता खराब है उसको उनको भी देखना चाहिए, देखना चाहिए। तो मेरा तरफ से हम बोल रहे कि देखिए सबको बारिश में हम लोग को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होता है। हाँ, कैसे आना जाना करते हैं? ऐसे ही पानी में, पानी में फिसलते गिरते हैं, गिरते। हाँ, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का। तो दोस्तों ये है ईटागढ़ गमरिया प्रमंडल सरायकेला खरसवां क्षेत्र का ये लो, ये गांव बहुत ही दयनीय दशा, आज़ादी के 75 साल के बाद ये लोग के ये हाल कि इन लोगों को फिसलते गिरते पड़ते इसी सड़क से आना जाना करना है, काम करना है पेट के लिए, बस यही दर्दनाक तस्वीर सरायकेला क्षेत्र से अब तक न्यूज दिखाते हुए, और आगे भी ऐसी जन समस्याओं को हम दिखाते रहेंगे। दोस्तों जितना हो सके शेयर अब तक न्यूज चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, और जन जन तक ऐसी वीडियोस को पहुंचाइए ताकि जनता तक आवाज़ पहुंच सके, जनता सरकार तक पहुंचा सके। जोहार झारखंड, जय झारखंड।